परेशान न थी मैं वाला सा। एक बार थल्ले देना लाजमी है, याद है दोबारा हमने ही करनी है, किसी और ने नहीं करनी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वाइस पोर्टल और मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान लोधी। नाज़रीन, आपने अक्सर रिक्शों के ट्रकों के पीछे बड़े मज़े के शेर और मज़े की लाइनें लिखी हुई पड़ी होंगी। आज हम इसी तरह के एक भाई का ट्रक हमारे साथ मौजूद है, इसके पीछे एक बड़ी मज़े की लाइन उन्होंने लिखी हुई है, तो ये भाई आपको पढ़ के बताएंगे। जी भाई, क्या लिखा हुआ है आपने? परेशान न थी मैं वाला सा। ये आप किसको कह रहे हैं कि परेशान न थी मैं वाला सा, ये किसको कह रहे हैं? ये भजन अवाम वो कह रहे हैं, अवाम देख के परेशान हो जाती है ना कि गाड़ी आई है और गुजर गई और इसने पीछे शेर व शायरी लिखी है, परेशान न थी मैं वाला सा। तो इसमें अवाम के परेशान होने वाली क्या बात है भाईजान? ये इसलिए लिखा हुआ है, कोई अवाम अगर नीचे आ गई उसको मरलम पट्टी करने वास्ते दोबारा जाएंगे नहीं, अगर वो नीचे आ भी गया उसको दोबारा मरलम पट्टी करने जाएंगे। एक तो बेचारे को आपने नीचे दे दिया है, ठीक है, उसके बाद आप उसको कह रहे हैं मैं वाला सा, वाला आने का उससे वादा करके जा रहे हैं, ऊपर से वो परेशान भी ना हो, इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। हम उसको ये जुल्म नहीं कर रहे हैं, हम उसको ये हौसला दे रहे हैं कि आपने परेशान नहीं होना, हमने फिर आने दोबारा। मतलब एक बार थल्ले देना लाजमी है? ये थल्ले देना इसलिए ताकि उन्होंने आगे दोबारा मरलम पट्टी कर लीजिए। मतलब पहले बंदे को लाजमी इसलिए नीचे दे रहे हैं कि बाद में उसकी आगे मरम पट्टी करें। जी आगे उसकी इयादत दोबारा हमने ही करनी है, किसी और ने नहीं करनी। इयादत तक लेके क्यों जा रहे हैं, उसको पहले नीचे ही ना दें तो अल्लाह खैर करे उसकी मरम पट्टी करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा बड़ी मज़े की इन्होंने भाई ने लाइन लिखी हुई है, और इसी के साथ आपका मेज़बान उस्मान लोधी से इजाज़त चाहेगा इसी वादे के साथ कि आप भी परेशान ना हो मैं वाला आशा इंशाल्लाह अगली वीडियो में। इसी के साथ अपने मेज़बान उस्मान लोधी को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम।